भारत में युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जा रही है। योग दिवस यानी 21 जून से देश में 18 साल से ऊपर की उम्र वालों को केंद्र सरकार द्वारा फ्री में वैक्सीन दी जाएगी। तो अगर आप भी 18 साल से अधिक उम्र के हैं तो आपको वैक्सीन के लिए कोई कीमत नहीं चुकानी होगी। किसी भी सरकारी अस्पताल में जाकर आप फ्री में वैक्सीन लगवा सकेंगे। प्रोडक्शन की बात हो या करोड़ों लोगों को इतने कम समय में वैक्सीनेट करना हो, भारत आज मिशन मोड पर काम कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत 3.0 के अंतर्गत स्वदेशी वैक्सीन या होममेड वैक्सीन के विकास और टीकों के उत्पादन में तेजी लाने के लिए मिशन कोविड सुरक्षा की घोषणा की गई है। इसे बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। ये मिशन उत्पादन क्षमता बढ़ाने और वैक्सीन बनाने के लिए ग्रांट के तौर पर वित्तीय यानी फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान करता है। चलिए सबसे पहले सुनते हैं कि मिशन कोविड सुरक्षा पर पीएम मोदी ने क्या कहा। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत मिशन कोविड सुरक्षा के माध्यम से भी उन्हें हजारों करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए। आज देश में 7 कंपनियां विभिन्न प्रकार की वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रही है। 3 और वैक्सीन का ट्रायल भी एडवांस स्टेज पे चल रहा है। मिशन कोविड सुरक्षा के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की 3 कंपनियों को टीके के उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए सहयोग दिया जा रहा है। इनमें मुंबई की हाफकाइन बायोफार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन को उत्पादन के लिए 65 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता ग्रांट के रूप में प्रदान की जा रही है। दूसरी कंपनी हैदराबाद की इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड है, जिसे 60 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है और भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल लिमिटेड को 30 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई है। नई वैक्सीन स्ट्रेटेजी के हिसाब से अब राज्य सरकारों को वैक्सीन नहीं खरीदनी होगी। केंद्र सरकार कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% खरीदेगी और फिर उन्हें राज्य को दिया जाएगा। बता दें, वर्तमान में केंद्र सरकार भारत में बनने वाले टीकों की 50% खुराक खरीदती है, फिर प्राथमिकता समूहों और 45 साल से ज्यादा उम्र वालों के टीकाकरण के लिए राज्य को मुफ्त में अलॉट करती है। राज्य सरकारों को अभी बाजार से वैक्सीन की 25% डोज खरीदनी पड़ रही है, लेकिन नई वैक्सीन स्ट्रेटेजी के अनुसार राज्य को वैक्सीन पर खर्चा नहीं करना पड़ेगा, सारा खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी। वहीं अलॉटमेंट की बात करें तो यह वैक्सीन पॉलिसी के आधार पर ही किया जाएगा। एक्टिव केसलोड, वैक्सीनेशन की परफॉर्मेंस और वैक्सीन वेस्टेज के आधार पर डोज अलॉट की जाएंगी। राज्य सरकार चाहे तो 18 से 44 साल वालों में प्रायोरिटी ग्रुप भी बना सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार उन्होंने कोविशील्ड की 25 करोड़ खुराक की खरीद का आदेश सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को और कोवैक्सीन की 19 करोड़ खुराक का आदेश भारत बायोटेक को दे दिया है। कोविड 19 की ये 44 करोड़ खुराकें अब दिसंबर 2021 तक उपलब्ध हो जाएंगी। इसके साथ मंत्रालय द्वारा दोनों कोविड टीकों की खरीद के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को एडवांस पेमेंट का 30% जारी कर दिया है। देश में वैक्सीन की सप्लाई बढ़ाने और सभी लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए कई वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है। पीएम मोदी कहते हैं कि आज देश में 7 कंपनियां विभिन्न प्रकार की वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रही हैं। वहीं 3 और वैक्सीन का ट्रायल भी एडवांस स्टेज पर चल रहा है। वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए दूसरे देशों की कंपनियों से भी वैक्सीन खरीदने की प्रक्रिया को तेज किया गया है। वहीं बच्चों में कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए 2 वैक्सीन का ट्रायल तेजी से चल रहा है। इसके अलावा देश में एक नेजल वैक्सीन पर भी रिसर्च जारी है। इसे सिरिंज से ना देकर नाक में स्प्रे किया जाएगा। पीएम मोदी के शब्दों में कहें तो विश्वासेन सिद्धि, अर्थात हमारे प्रयासों में हमें सफलता तभी मिलती है जब हमें स्वयं पर विश्वास होता है। सच में ये विश्वास ही था जिसकी वजह से हमारे देश के वैज्ञानिकों ने इतनी तेजी से वैक्सीन बनाई और ये विश्वास ही है जिसके कारण आज भारत कोरोना के विरुद्ध इस लड़ाई में डटकर खड़ा हुआ है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।